ये बहुत ज्यादा स्पेशल वीडियो है, तो आप पूरा का पूरा वीडियो देखें। तो पहले मैं आपको नक्शा बना करके पूरा मैं दिखा दूंगा, उसके बाद में आपको इसका फॉर्मूला बताऊंगा, उसके बाद में आपको पूरा मालूमात होगा। तो पहले मैं आपको नक्शा बना दे रहा हूँ, पहले इसका जो मार्किंग जो है, मार्किंग मैं करके आपको पूरा का पूरा दिखा रहा हूँ। तो पहले आपको सामने की तरफ से 1 इंची का निशान लगाना है, और ऊपर से भी 1 इंची का निशान लगाना है, और इसका जो छाती है, इसका छाती 40 है, तो ये 10 इंची के ऊपर हो गया, और 1.5 इंची ऊपर, और ये 17 इंची के कमर का नाप हो गया, और इसका लंबाई 28 है, तो 29 के ऊपर। ये मैं कोट का मार्क लगा रहा हूँ, कोट का जो इसका जो फॉर्मूला है मैं आपको बता रहा हूँ। किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि इसका जो फॉर्मूला है बता दीजिए थोड़ा सा। इसके बाद में फिर मैं आपको मार्क पूरा लगा करके दिखाऊंगा, फिर आपको मालूम होगा। तो जैसे 28 इंची है या 30 इंची लंबाई है, तो उसके 3 भाग करके मार्क लगाते हैं, और उसके बाद में 4 इंची ये बटन का हो गया, और ये पॉकेट का हो गया, ठीक है। तो इसका जो हिसाब मैं बता रहा हूँ आपको, ये 40 साइज का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब 40 साइज में दोस्त क्या होते हैं कि काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि उनको जो है एक गाला कितना रखना है, जैसे आप 40 छाती का नाप रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, और इसका गाला आपको नाप लेना भूल गए, नाप नहीं लिए, ठीक है। तो 40 छाती का 15 इंची पे रखेंगे, और उसके बाद में इसका जब कोट कटिंग करेंगे तो इसका बैक का गाला आप कितना काटेंगे, ठीक है। ये जो बैक का गाला जो है 40 छाती का 3 इंची काटेंगे, ठीक है, यहाँ से 3 इंची काटेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि काफी सारे लोग जो है ना वो मुश्किल में पड़ जाते हैं कि मेरा नेक नहीं लिया हुआ, नापा हुआ है, उसके बाद में साइज बाई साइज कितना रखते हैं गाला जो है, अगर 40 छाती है, 42 छाती है, 44 छाती है, 50 छाती है, तो उसमें कौन सा हिसाब से रखते हैं, इसलिए ज्यादा करके उनको मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, तो बैक का गाला 3 इंची रखेंगे, ठीक है, और इसका फ्रंट का गाला जो है वो 4.5 इंची रखेंगे, ठीक है। 4.5 इंची फ्रंट का गला, फ्रंट का गला इसको कहते हैं जो यहां से आपको इस तरह, ठीक है, और यहां से ये डाउन करते हैं, आपको पता है डाउन करने का, ये 2 इंची डाउन होता है, इधर से 3 इंची, 3.5 इंची डाउन होता है, या 3 इंची भी डाउन होता है, ठीक है। देखें अभी जो फ्रंट का गला है, फ्रंट का गला 4.5 इंची मैं रखा हूं यहां से, ठीक है। अब कितना आदमी इसमें क्या करते हैं कि वो 4 इंची रख देंगे, 5 इंची रख देंगे। 5 इंची में क्या होता है कि आपको जो है ना ये जो गाला जो है ज्यादा पीछे की तरफ लो साइड हो जाएगा, ठीक है, ये ज्यादा आपका आगे की तरफ नहीं आएगा, ये पीछे गिरता रहेगा। जो बोलते हैं ना कि मेरा जो कोट का है वो ज्यादा करके सामने नहीं बैठ रहा है, ज्यादा नीचे गिर रहा है, डाउन हो रहा है, तो उसके वजह से ये गला का मेन प्रॉब्लम गला का होता है, ठीक है। अब 40 छाती है, अब 40 छाती का कुश्ती कितना लगाएंगे, यहाँ से 8.5 इंची लगाएंगे, इसका जो कुश्ती का निशान है, जो आजकल बोलते हैं तख्ती, तख्ती का ही है, तो मैं तख्ती का आपको कह रहा हूँ, इसको तख्ती भी बोलते हैं और कुश्ती भी बोलते हैं, कोर्ट का कुश्ती हो गया ये, ठीक है, और तख्ती भी बोलते हैं, दोनों चीज बोलते हैं, तो मैं काफी सारा वीडियो में तख्ती बोला हूँ, कुश्ती बोला हूँ। और यहाँ से आपने 1.5 सवा इंची और प्लस 4 इंची, और इसका जो निशान है 4 इंची का सेंटर लगा करके, और उसके बाद में इस तरह से
देखिए मेरा पूरा सेंटर पे आया है, यहाँ से 2.5 इंची नीचा होना चाहिए और यहाँ पे गोलाई कर दीजिए आप, और इसका पॉकेट का मुंह 7 इंची रख दीजिए। इस तरीके से यहाँ से मार्जिन जितना चाहे उतना रख दीजिए, 2 इंची 1.5 इंची। तो ये मैं बता दिया, जो बैक का गला है वो 3 इंची है और जो फ्रंट का गला है वो 4.5 इंची है, ठीक है। तो इस साइज का मैं बता दिया हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे ये और 42 छाती हो गया, तो 42 छाती में आपने क्या करना है, 3 इंची एक लाइन का इसका बैक का निकाला, ठीक है, 1 पॉइंट होता है, ठीक है। और इसका जो फ्रंट का गला है, जिस तरह इस तरह जो गला है, ये 1.75 इंची निकालना है, ठीक है। ये 4.5 इंची हुआ और 42 साइज का 1.75 इंची निकालना है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से 1.75 इंची निकालना है, फिर जा करके आपका जो गला है वो सही क्रेट में आएगा, आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, कोई नहीं बताया अभी तक मुझे लगता है। तो आप सबको अगर प्रॉब्लम हो रहा है कोट कटिंग में, आपका जो गला है वो कम हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, आपका शोल्डर पे नीचे नहीं डाउन ज्यादा जा रहा है, तो उसके वजह से आप जो गला जो है वो करेक्ट रखे। और आपको मैं बता दिया हूँ कि 40 साइज का 15 इंची गला होगा, और उसके बाद में बैक जो है 3 इंची कट इन करेंगे और फ्रंट जो है 4.5 इंची करेंगे, ठीक है। और उसी तरह ये 42 साइज का 3 इंची प्लस एक लाइन, ठीक है, उसके बाद में 1.5 इंची, 4.75, ठीक है। ये 1.5 इंची इस तरह भी होता है, 3/4 भी होता है, ये दोनों होता है। अब ये तो हो गया। अब ज्यादा करके लोग क्या कहते हैं कि 40 साइज है तो इसका मोंडा मैं कितना पे कट इन करूं, 40 साइज में ज्यादा करके लोग बोलते हैं इसका मोंडा पे मैं कौन से हिसाब से कट इन करूं, तो इसका जो मोंडा है वो 8.5 इंची रखिए, ठीक है। और 42 साइज का 9.25 इंच गिरा दिया हूँ, तो मेरा जो ये जो आर्मोल जो है वो छोटा तो नहीं हो जाएगा या कुछ ज्यादा तो लूज तो नहीं हो जाएगा, तो नहीं आपका जो ना ये चौथा भाग करके कटिंग करते हैं। अगर किसी को अगर स्लिम फिट चाहिए तो 1 इंची हाफ इंची कम करके भी कटिंग करते हैं, जैसे 40 है तो 9.5 इंची के ऊपर भी कटिंग करते हैं। अगर अगर नॉर्मल लूज चाहिए तो 10 इंची के ऊपर ही कट इन करेंगे। उसके बाद में यहाँ से आपने इस तरीके से, मैं पूरा आपको करेक्ट कोट का मार्क लगा दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। यहाँ से इस तरीके से यहाँ से आप दो इंची शोल्डर डाउन कर दीजिए, ये साइड पीस के लिए मार्क हो गया इस तरीके से। और यहां से ये साइड पीस हो गया, ठीक है। आपको अब पूरा मालूम चल जाएगा, ठीक है, आपको कोड का है बता रहे हैं बोल करके, इसलिए मैं ज्यादा करके वीडियो बनाया हूँ। तो आपको अगर जैसे ये 42 साइज का हो गया, अगर आपको 44 साइज का काटना है तो 44 साइज का इसका जो गला है वो 15.5 इंची आएगा। उसके बाद में इसका जो फ्रंट बैक का है, यहाँ से बैक का 3.25 इंची, ये जो मारिक है यहाँ से 3.25 इंची गैप होगा। उसके बाद में जो फ्रंट कट इन करेंगे वो 5 इंची का कट इन करेंगे, ठीक है।
इसमें 5 इंची का फ्रंट का कटिंग करना है, ठीक है। और जो इसका मोंडा जब कटिंग करेंगे तो वो 9 इंची के ऊपर काटेंगे, ठीक है। अब 9 इंची के ऊपर काटेंगे, बोलेंगे यार 36 के हिसाब से हो जाएगा, तो नहीं, 9 2 11, 11 4 44, 14 भाग करके 9 इंची के ऊपर इसका बाजू कटिंग करेंगे तो आपका जो बाजू जो है पूरा करेक्ट होगा। अगर उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है कि ये 8.5 इंची, 9.5 इंची, 9 इंची कौन से हिसाब से कटिंग करना है, तो आप मुझे इसका जो कमेंट में बताएंगे, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका से मैं बताया हूँ कि आपको जो ना, काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है कि उसका जो सामना है वो सही नहीं आ रहा है, उसका सामना जो है वो सही नहीं आ, इसलिए जो है ना काफी सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कोड जो है ये तख्ती बहुत छोटा भी हो जा रहा है और बड़ा भी हो जा रहा है, और गला का सही से शेप नहीं है। अगर आप ये ज्यादा निकाल रहे हैं तो ज्यादा करके नीचे डाउन होगा, अगर कम निकाल रहे हैं तो ये सामना की तरफ जो नेक के ऊपर है ना, इस तरह ये चढ़ा रहेगा, ठीक है। ये जो है इस तरह रहेगा तो उसमें ज्यादा करके मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तो 44 साइज का भी आपको मैं बता दिया हूँ कि यहाँ से 5 इंची रखना है, और ये जो गला है बैक का वो 3.25 इंची रखना है, इस तरह करके, ठीक है। ये बैक का हिसाब मैं बता रहा हूँ, ये फ्रंट का बता रहा हूँ। तो आपको जो ना कोट का सेम टू सेम इसी स्टाइल में आपको कटिंग करना है, ताकि आपको पूरा का पूरा मालूमात हो जाएगा। और इसका जो कुश्ती का भी मैं बता दिया हूँ, इसका गाला का भी, इसका गाला कितना होना चाहिए, इसका जो बाजू है, बाजू इसका कितना पे कटिंग होना चाहिए भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 40 साइज का है 8.5 इंची, 42 साइज का 9.25 इंची, 44 का 9 इंची, ठीक है। तो आप सब कमेंट करके बताएं आप लोगों को वीडियो में कैसा लग रहा था, कि अब मैं और भी इसी तरह करके मैं बता दूंगा आपको। काफी सारे लोग जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा जो साइज है, साइज का गाला मैं नहीं लिया हूँ, तो गाला किस तरह रखना है, और इसका जो बैक का, फ्रंट का, इसका बाजू का कौन सा हिसाब से कटिंग करना है, तो इसके लिए मैं ज्यादा करके ये वीडियो बनाया। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकन को दबा दे, ताकि ऐसे ऐसे कटिंग आपको मिलता रहे। और आप सब ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट करें और मुझे ज्यादा से ज्यादा मेरा वीडियो को वायरल करें। तो चले दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो ये पसंद आएगा, तो लाइक शेयर करना ना भूले। ओके बाय।